इंदौर की यातायात विभाग की एक दबंग महिला सूबेदार का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला ट्रैफिक सूबेदार सोनू वाजपेयी द्वारा जो ललकार की गई है, उसकी बेहद चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर मंत्री के भतीजे को जब उन्होंने रोका तो मंत्री के भतीजे बौखला गए और उन्होंने महिला सूबेदार को धमकी दे डाली कि वे उनका ट्रांसफर करा देंगे। लेकिन इसके तुरंत बाद ही महिला सूबेदार द्वारा न केवल मंत्री के भतीजे को चेतावनी दी गई, बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी ने मुझसे यह भी कहा कि अब हमारी गाड़ियां भी रोकोगे। आपको पता है कि कार मंत्री के परिवार की है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैंने कहा कि कागज बुलवा लो। इस पर वे आरोप लगाने लगे कि सिपाही ने सामने से आकर कार रोकी है, यदि कुचला जाता तो। मैंने कहा सिपाही का कार रोकना अच्छा जानता है। मैंने सिपाही से वीडियो शूट करने को कहा। पार्षद ने सिपाही के पेट पर धक्का मारा ताकि वह वीडियो नहीं बना पाए। एक घंटे बाद 3-4 युवक आकर मेरे आसपास चक्कर काटने लगे और कहने लगे इसका ट्रांसफर झाबुआ करवा देंगे। दूसरा बोला नहीं, बालाघाट भेज देंगे। चंद मिनटों में ही पार्षद फिर आ गए। उन्होंने कहा कि अब ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा कहीं भी ट्रांसफर करा दो, नौकरी तो ऐसे ही करूंगी। देखते ही देखते उनके 20-25 समर्थकों ने मुझे घेरा। मैंने सेट पर फोर्स बुलवाई। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।